तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी टमाटर की सब्जी कितनी खूबसूरत बनी है, इसका रंग और टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसी ही चटपटी स्वादिष्ट टमाटर की गुजराती सब्जी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। तो जब सब्जियों में आपको कुछ समझ ना आए तो बनाए ये टमाटर की स्वादिष्ट चटपटी सब्जी। ये बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 6 बड़े टमाटर लिए हैं। देखिए ये हमारे टमाटर एकदम लाल और अच्छे से पके हुए हैं, आप भी ऐसे ही टमाटर यूज़ करें। 4 बड़े चम्मच ऑयल, 1 टेबलस्पून मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून हींग, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम टमाटरों को धो के काट लेते हैं। ये हमने टमाटरों को इस तरह के मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे। राई चटकते ही अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड कर देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे भुनना नहीं है, नहीं तो ये जल सकता है। बेसन डालने से सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। साथ में ही हम इसमें 1 टेबलस्पून मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे। एक मिनट के बाद अब हम इसमें चुटकी भर हींग ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे पकाते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हम बीच बीच में इसको चलाते भी रहे थे। अब हम इसको थोड़ा हल्का हल्का मैश कर लेंगे। ज़्यादा मैश नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े चंक्स अच्छे लगते हैं। अब हम इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और कवर करके फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सब्जी को पकाते हुए हमें टोटल 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी टमाटर की सब्जी बनके रेडी है। अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा और उबाल लीजिए। अब इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून जितनी चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म डिश आउट करेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारी टमाटर की चटपटी मज़ेदार सब्जी। इसका रंग और टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है देखिए आप। ये खास करके ज्वार की रोटी और मूंग दाल खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।